क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीवी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ़ख्र ज़मान और इमामुल हक के हवाले से। दोस्तों फ़ख्र ज़मान और इमामुल हक दो तरफ़ा सीरीज़ में 60 से ज़्यादा रन्स बनाने वाली जोड़ी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, इससे कबल ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी जोड़ी इमरान फरहत और यासर हमीद के पास था। दोस्तों बुलावायों में के क्वाइन स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के 5वें और आखिरी मैच में कौमी टीम की बैटिंग जारी है और टारगेट दे दिया कौमी टीम ने 364 टारगेट 4 विकेटों के नुकसान पर। दोस्तों और कप्तान सरफराज अहमद ने दोस्तों टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फ़ैसला किया तो फ़ख्र ज़मान और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज़ किया। फ़ख्र ज़मान ने एक मरतबा फिर शानदार आगाज़ किया और आज की इनिंग्स में 20 रन बनाने के साथ ही वो एक रोज़ा क्रिकेट में तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। जी हाँ दोस्तों, जबकि फ़ख्र ज़मान और इमामुल हक एक रोज़ा क्रिकेट की तारीख की पहली जोड़ी बन गई है जिसने दो तरफ़ा सीरीज़ में 600 से ज़्यादा रन बनाए हैं। दोस्तों इससे पहले भी ये एजाज़ पाकिस्तान क्रिकेट के पास ही था। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी जोड़ी इमरान फरहत और यासर हमीद के पास था। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को पहले ही 4-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। वाइट पास से बचने के लिए मेज़बान टीम को मैच लाजमी जीतना होगा दोस्तों, और शिकस्त के की सूरत में कौमी टीम को रवां साल सीरीज जीतने समेत किसी भी टीम को वाइट वॉच करने का भी एजाज़ हासिल होगा। याद रहे दोस्तों, उससे पहले फ़ख्र ज़मान ने इस मैच के दौरान डबल सेंचुरी भी स्कोर की थी। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें फ़ख्र ज़मान की और इमामुल हक की तो एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और दोस्तों साथ में हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज़ के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें।